कि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनिश्री प्रणम सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं, अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स, 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506027159, 111229620। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम युग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, आप सभी का आचार्य उमा स्वामी द्वारा विरचित गागर में सागर भरने वाले अनोखे ग्रंथ श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के अष्टम अध्याय में स्वागत है। आवश्यक सूचना, श्री तत्वार्थ सूत्र जी के अध्याय 8 की मौखिक सूत्र पाठन परीक्षा 24 अगस्त 2024 से होना निश्चित की गई है। आज ही रजिस्टर करें go.arham.yoga/sutrapath2 पर या QR कोड को स्कैन करें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। अब हम अपने अतिशय पुण्य फल से कर्म बंध विज्ञान अध्याय 8 के स्वाध्याय में कर्म बंध के बारे में जान सकेंगे। जो नए स्वाध्याय प्रेमी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वह पुराने स्वाध्याय के छूटने का विकल्प न करें, निश्चिंत भाव से स्वाध्याय करें। मुनिश्री की सरल सरसवाणी में उन्हें यह जटिल विषय भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम अध्याय 8 का सूत्र पाठ करते हैं, ताकि हम इन्हें कंठस्थ कर सके। यदि आपने पिछले अध्यायों की मौखिक सूत्र पाठ परीक्षा नहीं दी है, तो भी आपको यह पाठ अवश्य करना चाहिए और इन्हें कंठस्थ करने का प्रयास भी करना चाहिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतं ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः सकसायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंध प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विदयः। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुर्नाम गोत्रांतरायाः पंच नवद्वेष्टा विंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम् मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम् चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम् निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रद्धयश्च सतसत वेद्य दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास्त्री द्वि नव षोडश भेदा सम्यक्तु मिथ्यात्तु तद्वयान्य कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुन्न पुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोधमान माया लोभा नारक तैरियज्ञोन मानुष दैवानि गतिजाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंधान गंध वर्णान पूर्व गुरु लघुपघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतिः प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिरादे यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थ करत्वं च उच्चैर नीचैश्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम् आदितस्तिस्रणा मंत्रायस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थितिः सप्ततिर मोहनीयस्य विंशतिर नाम गोत्रयोः त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य नाम गोत्रयो रष्टौ शेषाणा मंत्र मुहूर्ताः विपाकोऽनुभवः
स यथा नाम ततश्च निर्जरा। नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। सद्वेद्य शुभायोर्नाम गोत्राणि पुण्यम् अतो न्यत् पापम् इति तत्वार सूत्रे अष्टमोऽध्यायः। कुछ मुनि श्री कहते हैं कि सिर्फ सूत्र के पाठन से ही हमारी विशुद्धि कई गुना बढ़ जाती है। बंध तत्व के वर्णन में प्रकृति और स्थिति बंध के बाद आज हमने अनुभव बंध के बारे में जाना। अनुभव को अनुभाग बंध भी कहते हैं। अनुभाग कर्म की शक्ति को कह रहे हैं और जीव उसके फल की अनुभूति करता है, इसीलिए इसे अनुभव भी कहा जाता है। ये दोनों शब्द एकार्थक भी है और भिन्नार्थक भी। एकार्थक मतलब अनुभाग या अनुभव, दोनों एक ही बात है। भिन्नार्थक इस सेंस में कि कर्म बंद के समय कर्म के अंदर आई शक्ति अनुभाग कहलाती है। जब उसी कर्म का विपाक होता है, जीवात्मा को होने वाली अनुभूति उसका अनुभव कहलाती है। अर्थात कर्म का अनुभाग बंद के समय और अनुभव उदय के समय होता है। विपाक यानी विशिष्ट पाक, अर्थात कर्म का पकना, वह फल देने योग्य हो गया तब उसका अनुभव होगा। यह रसानुभव ही विपाक है। कर्म स्वयं में कार्मण वर्गणाओं का पिंड होता है। इसी पिंड में प्रकृति, स्थिति और अनुभाग शक्ति पड़ती है। कार्मण शरीर या कार्मण वर्गणाए द्रव्य बंध है। जो प्रकृति और प्रदेश रूप में आत्मा में बंधता है वह मटेरियल है, और उस मटेरियल के अंदर आत्मा के मिथ्यात्व या कषाय परिणाम की तीव्रता या मंदता के अनुसार पोटेंसी आ जाना कि यह यही फल देगा, वह शक्ति ही उसकी भाव शक्ति कहलाती है। इसे भाव बंध भी कहते हैं। कर्म का उदय आने पर इसी भाव शक्ति का विपाक होता है। कर्मों का जीव में बंध होने के बाद एक अबाधा काल पड़ता है। उतने काल तक वह डिस्टर्ब नहीं होता, उसके बाद वह फल देने योग्य होता है। तब बंदी हुई स्थिति पर्यंत वह फल देता रहता है। जैसे यदि 70 कोड़ा कोड़ी सागर का कर्म बंधा तो उसकी अबाधा काल बीत जाने के बाद उसके एक एक स्थिति के कर्म निषेक क्रम से उदय आते रहेंगे, और उन निषेकों का अनुभव ही अनुभाग बंध है। जैसे पचा हुआ भोजन ही फल देता है, भोजन पचने पर ही उसके विटामिन्स, प्रोटीन्स की पोटेंसी, स्फूर्ति और शक्ति के रूप में अनुभव में आती है। भोजन का पचना ही उसका विपाक है। गरिष्ठ भोजन के विपाक में 3 से 6 या 12 घंटे भी लग सकते हैं। सिंपल भोजन सुपाच्य और तुरंत शक्तिप्रद होता है। भोजन की तरह ही है कर्म का पाचन। पका हुआ कर्म ही फल देता है। स्टोर के रूप में सत में पड़े हुए कर्म का अनुभव नहीं होता। जब उसका विपाक हो गया, अर्थात वह पच गया, पक गया, तब हम उसका रस चखते हैं। अच्छा हो या बुरा, कटुक या मिष्ट, हम सब अपने ही कर्मों का रस चख रहे हैं। हमने जाना कि घातिया कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय एकांत से पाप रूप ही है। आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय रूप अघात्या कर्मों में कुछ शुभ यानी पुण्य रूप हैं, जैसे शुभ आयु, उच्च गोत्र, साता वेदनीय, तीर्थंकर आदि नाम कर्म, और कुछ अशुभ यानी पाप रूप हैं। शुभ कर्मों का उत्कृष्ट बंध विशुद्धि के परिणामों से होता है, यानी जब परिणामों में संकलेश कम हो और विशुद्धि अधिक। संकलेश परिणाम के समय कषाय तीव्र होने से हम दुख अनुभव करते हैं। मन में एक पीड़ा होती है, मन कहीं पर नहीं लगता, उसी बात को ध्यान रखकर खेद खिन्न बना रहता है। उनके समय कोई क्लेश नहीं होता, कषाय बिल्कुल मंद रहती है या बिल्कुल ही हमें अनुभव में नहीं आती। अंतरंग में बहुत ही शांति और निश्चिंतता है, यही विशुद्धि की अनुभूति है। तो आइए अब चलते हैं कर्म बंध विज्ञान की कक्षा की ओर। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की।
वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। और अघातीय कर्मों में आयु कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनी कर्म है ना। तो इन अघातीय कर्मों में विभाजन होगा, कुछ इसमें शुभ हैं और कुछ अशुभ हैं, कुछ पाप रूप हैं कुछ पुण्य रूप हैं, इनमें विभाजन होता है। तो जितने भी, अब जैसे इनमें पाप रूप पुण्य रूप आयु में भी कुछ शुभ आयु हैं कुछ अशुभ आयु हैं, नाम कर्म की कुछ प्रकृतियां शुभ हैं कुछ अशुभ हैं है ना, गोत्र कर्म के उच्च गोत्र इत्यादि शुभ कहलाए बाकी अशुभ हो गया है ना, और वेदनी कर्म में साता वेदनी ये शुभ हो गया बाकी अशुभ हो गया। इस तरीके से जो शुभ अशुभ का विभाजन है वो किसमें है, इन चार कर्मों में जो अघातीय कर्म है। अब इन्हीं चार कर्मों में जो पुण्य कर्म आएंगे, जितने भी पुण्य कर्म है वो किसमें मिलेंगे, इन सब चार अघातीय कर्मों में है। जो भी शरीर हैं, जो भी तीर्थंकर आदि कर्म हैं और भी स्थिर शुभ आदे इत्यादि जो भी शुभ कर्म बताए थे, ये सब किसमें है, ये सब नाम कर्म में है। तो जो भी शुभ कर्मों का उत्कृष्ट बंध होता है वो होगा विशुद्धि के परिणामों से, यानी जब परिणामों में संक्लेश कम हो, कषायें मंद हो, संक्लेश कम हो और विशुद्धि अधिक हो। समझते हैं ना विशुद्धि संक्लेश, नहीं समझते? संक्लेश का मतलब ही समझ लो कषाय की तीव्रता और विशुद्धि का मतलब कषाय की मंदता। तो कषाय की मंदता में जो परिणाम होगा विशुद्ध परिणाम कहलाएगा। जिसकी कषाय जितनी ज्यादा किसी दूसरे की अपेक्षा से या अपनी ही अपेक्षा से मंद होगी तो उसका परिणाम अपने ही अपेक्षा से भी पिछले समय की अपेक्षा से अगले समय में वो विशुद्ध कहलाएगा। तो कषाय की मंदता से विशुद्धि और कषाय की तीव्रता से संक्लेश। जिस समय तीव्र कषाय के परिणाम है, संक्लेश परिणाम है, दुख भीतर से उसका अनुभूति में आता है, अलग तरीके की भीतर से मन में एक पीड़ा होती है, मन का कहीं पर भी लगना नहीं होता है, मन में उसी बात को ध्यान रख करके खेद खिन्न बने रहना होता है, ये संक्लेश परिणाम है। और विशुद्ध परिणाम अनुभूति होते हैं कभी कि नहीं, कुछ अनुभूति भी किया करो। विशुद्ध परिणाम का मतलब जिस समय पर कोई क्लेश ना हो, उस समय तो आप एंजॉय करने में लग जाते हो जब क्लेश नहीं होता तो, लेकिन उस समय पर क्या करना चाहिए, भीतर शुद्ध विशुद्ध परिणाम की अनुभूति। कैसी अनुभूति, हमारे अंदर कषाय का बिल्कुल मंद परिणाम चल रहा है या बिल्कुल ही हमारे कषाय की अनुभूति नहीं हो रही है, तो इसी को कहेंगे हम विशुद्धि की अनुभूति कर रहे हैं। तो ये जो विशुद्धि के समय पर अंतरंग में एक जो बहुत ही शांति का और बहुत ही जो है एक निश्चिंतता का जो भाव आता है उसी को विशुद्ध परिणाम समझना चाहिए। ये परिणाम बहुत प्रकार के होते हैं, विशुद्धि बहुत प्रकार की होती है, निश्चिंतता शांति, ये जितना भी विशुद्धि भीतर बढ़ेगी शुभ कर्मों में उत्कृष्ट अनुभाग की ओर वह परिणाम जाएगा, उत्कृष्ट अनुभाग बंद होएगा शुभ कर्मों में तो उत्कृष्ट होगा, और जो अशुभ या पाप कर्म है उनमें जघन्य अनुभाग पड़ेगा, उनमें अनुभाग शक्ति उनमें भी पड़ेगी, क्योंकि एक ही परिणाम से एक ही समय पर कभी शुभ कर्म का भी बंद हो रहा है उसी समय पर अशुभ का भी बंद हो रहा है। तो जो शुभ कर्मों का बंद होएगा तो शुभ परिणामों से या विशुद्धि के परिणामों से शुभ कर्मों में जो अनुभाग शक्ति आएगी वो अच्छी वाली आएगी, अच्छी अनुभाग शक्ति उसमें पड़ेगी है ना। और जो अशुभ हैं उनमें उनमें शुभ परिणामों के कारण से मंद अनुभाग शक्ति आएगी, यानी कि उन शुभ परिणामों के माध्यम से शुभ जो कर्म हैं उनकी शक्ति उनमें अनुभाग उनका रस अच्छा पड़ेगा। कौन से शुभ कर्म सबसे ज्यादा अनुभूत में आने वाला, जैसे वेदनी कर्म है तो एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। साता वेदनी ये कर्म के अंदर शुभ परिणामों के माध्यम से जो शुभ रस शुभ उसके अंदर अनुभाग बंद पड़ता चला जाएगा वो अच्छी क्वालिटी का पड़ेगा, जितना जितना शुभ परिणाम होएगा उतना ही साता वेदनी में भी शुभ अच्छा उत्कृष्ट अनुभाग बंद आएगा, और जो पाप कर्म है उनमें वो जघन्य अनुभाग बंद पड़ेगा। तो इधर जब इस तरीके से होता है उसी तरीके से जब संक्लेश परिणाम होता है तो संक्लेश में
पाप कर्म में अच्छा अनुभाग पड़ता है और उत्कृष्ट अनुभाग पड़ेगा किसमें, पाप कर्मों में, उनका अनुभाग बंद अधिक होएगा और जो शुभ कर्म होंगे उनमें जघन्य अनुभाग बंद आएगा। तो आचार्यों ने इस अनुभाग बंद को समझाने के लिए हमें कुछ उदाहरण देकर के बताया है ना। घातिया कर्म के लिए अलग उदाहरण आते हैं, अघातिया कर्म के लिए अलग उदाहरण आता है। जैसे घातिया कर्म है तो घातिया कर्मों को चार प्रकार की अनुभाग शक्ति को दिखाने के लिए उनके स्थान बताए जाते हैं, उनके लिए उदाहरण देते हैं। एक कहलाता है लता, लता स्थानी, लता जिसे हम बेल वगैरह कहते हैं, बेल लता, तो एक तो उसकी तरह। दूसरा होता है दारू, लकड़ी की तरह, दारू माने क्या होता है, लकड़ी। और तीसरा अस्थि माने हड्डी की तरह, और चौथा शैल माने पत्थर की तरह, है ना। यानी घातिया कर्मों में जो अनुभाग शक्तियां पड़ती हैं वो ऐसी कोमलता से कठोरता की ओर चली जाती हैं। लता कोमल होती है, उससे अधिक कठोर लकड़ी होती है, उससे अधिक कठोर हड्डी होती है, उससे अधिक कठोर पत्थर होता है। तो ऐसे ही ये चार स्थान हो गए, ये कितने, चार, मोटे मोटे रूप में केवल चार जगहों पर ये विभाजन किया गया, लता स्थानीय, दारू स्थानीय, अस्थि स्थानीय, शैल स्थानीय। इन्हीं को अनुभाग बंद के साथ में जब बताया जाता है तो इन्हीं को एक स्थानीय, द्वि स्थानीय, त्रि स्थानीय, चतु स्थानीय, ऐसा अनुभाग कहा जाता है। ये चार स्थान होते हैं, समझ रहे हैं ना। आपसे कहें घातिया कर्मों का चतु स्थानीय बंद हो रहा है, क्या क्या समझोगे, शैल समान बंद हो रहा है ना। आपसे कहें घातिया कर्मों का द्विस्थानी बंद हो रहा है, दारू समान बंद हो रहा है, ऐसा है ना। तो ये कर्मों की जो अनुभाग शक्तियां हैं उन अनुभाग को स्पर्धक के नाम से शास्त्रों में कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको, स्पर्धक माने मोटे मोटे पटल जो होते हैं जिसके माध्यम से जैसे किसी चीज की जो मोटाई है या उसकी जो हार्डनेस है वो उसका उसकी पटल कहलाते हैं, वही उसके स्पर्धक कहलाते हैं। यानी कि अगर आप कभी छेनी लगाओगे इस पत्थर पर तो इस पत्थर के लिए बहुत कम नुकसान पहुंचेगा, बहुत बहुत ज़्यादा आपको मारना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वजन से इसको तोड़ना पड़ेगा तब ये पत्थर टूटेगा, है ना। उतनी ही चोट अगर आप हड्डी पर लगाओगे तो वो टूट जाएगी, उससे भी कम चोट अगर आप लकड़ी पर लगाओगे तो टूट जाएगी, और उससे भी कम चोट में बेल तो यहीं हाथ से ही टूट जाएगी, है ना। तो इस तरीके के ये घातिया कर्मों में ये स्थान पड़ते हैं चार, समझ रहे हैं ना, एक स्थानी, द्विस्थानी, तीन स्थानी, चार स्थानी, है ना। अब जिसमें जिसका जैसा अनुभाग होगा, जिसका अनुभाग जैसा होगा उसके स्थान उसी रूप में होंगे। जैसे मान लो मिथ्यात्व कर्म है, घातिया कर्म है ना, दर्शन मोहिनी का कर्म है घातिया कर्म, मिथ्यात्व कर्म है। तो इस मिथ्यात्व कर्म में जो अनुभाग शक्तियां होती हैं वो अनुभाग शक्तियां कभी भी ये समझ लो कि एक स्थानी तो होती नहीं है, दो स्थानी के दो भाग होते हैं, एक भाग होता है द्विस्थानी का, वो जो होता है वो थोड़ा सा प्रशस्त भाग कहलाता है, जिसको बोलते हैं अनंतवा भाग, वो तो ठीक है। और उसके बाद में जो भाग शुरू होता है वो भाग जो है सर्वघाती स्पर्धकों के रूप में सामने आ जाता है। अब इन स्पर्धकों की जब हमने बात की तो दो प्रकार के स्पर्धक आ जाते हैं, एक देशघाती, एक सर्वघाती। सुन रहे, कुंजी में से कुंजी खुलती चली जाती है, क्योंकि आप लोगों को कुछ भी नया बताओ तो आपकी समझ में आने के लिए उसी चीज को एक्सप्लेनेशन करते चले जाओ तो उसी में डूबते चले जाते हैं, है ना। तो स्पर्धक भी दो प्रकार के होते हैं, एक देशघाती और एक सर्वघाती। तो ये सब घातिया कर्मों के जो स्वभाव हैं उनमें पड़ने वाली जो शक्तियां हैं उनको समझाने के लिए आचार्यों ने इस तरह के नाम रखे हैं। ये नाम है अनुभाग शक्ति, स्पर्धकों से जानी जाती है। स्पर्धक दो प्रकार के, एक देशघाती और एक सर्वघाती। तो जैसे मिथ्यात्व कर्म है तो मिथ्यात्व प्रकृति सर्वघाती कहलाती है, इसका उदय होगा तो सम्यक्त्व का नाश ही होगा, इसके उदय में कोई भी आत्मा का गुण प्रकट नहीं हो सकता। तो ये सर्वघाती, इसमें स्पर्धक शक्ति होती है, अनुभाग शक्ति होती है।
तो इस सर्वघाती शक्ति के कारण से इसमें जो अनुभाग पड़ेंगे उसके स्थान या तो वो चतुस्थानी होगा या तीन स्थानी होगा या द्विस्थान का भी अनंत भाग के बराबर होगा। तो इस तरीके से इनके ये स्थान पड़ते हैं। अगर इनके स्थानों में देशघाती बना आ रहा है तो वो प्रकृति देशघाती कहलाएगी। जैसे एक स्थानी हो गया, द्विस्थानी हो गया, तो देशघाती बना आ गया। सम्यक तो प्रकृति है, ये एक स्थानी द्विस्थानी इसके अनुभाग होते हैं। तो इस तरह से इन अनुभागों को जानने के लिए ये चार स्थान बनाए गए हैं, लता समान, दारू समान, अस्थि समान और शैल समान। और ये जितने जितने संक्लेश परिणाम बढ़ते हैं उनसे इनमें रस अच्छा पड़ेगा, माने इनमें कठोरता अधिक आएगी। ये अगर टूटेंगे, इनके अनुभाग कम पड़ेंगे तो किससे? विशुद्धि के माध्यम से। ये इनका सिद्धांत। तो ये तो हो गया घाती कर्म के विषय में। अब अघाती कर्म के विषय में, वहां पर दो प्रकार से जो स्थान होते हैं, पाप प्रकृतियां और पुण्य प्रकृतियां, तो उनके दोनों के अलग अलग स्थान अलग अलग रूप में बताए जाते हैं। जो अघातिया कर्मों में जो शुभ प्रकृतियां हैं, शुभ जिनमें शुभ परिणामों से उत्कृष्ट बंध होता है, तो उनको गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, ऐसे चार स्थानों में विभाजित किया गया है। कौन से चार स्थान? हाँ, जो सब आपको अच्छा लगता है ना, गुड़, खांड, शर्करा और उससे अमृत। समझ आ रहा है ना? क्या मतलब हुआ? मीठापन बढ़ता चला जा रहा है, स्वादिष्टपना बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे ही जैसे इनमें बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे ही शुभ प्रकृतियों में रस पड़ता है। तो वो शुभ प्रकृतियां हमारे लिए इसी तरीके के अनुभाग का फल देंगी। अब जैसे मान लो अघातिया कर्म है तो वेदनी कर्म आ गया, वेदनी कर्म में साता वेदनी आ गया, तो साता वेदनी में ये अनुभाग पड़ेंगे, गुड़ के समान, खांड के समान, शर्करा माने शर्करा माने शर्करा ही है, समझ आ रहा है ना, और अमृत है ना। तो इनमें जो अधिक अधिक मिष्टपना आएगा, ये मिष्टपना कैसे आएगा? खरीदने से नहीं आएगा कि हमें गुड़ नहीं खरीदना, खांड खरीद ली, खरीदने से नहीं आएगा। ये आएगा शुभ परिणाम, जितने अच्छे अच्छे परिणाम होंगे, विशुद्धि वाले परिणाम होंगे, तो साता वेदनी भी अलग अलग क्वालिटी की आएगी। साता वेदनी में है ना, गुड़, गुड़ से ज्यादा अच्छा क्या होता है? खांड ज्यादा मीठी होती, पता नहीं, खांड नहीं खाते कभी? चीनी खाने वाले क्या जाने खांड है ना, तुम्हें तो गुड़ का भी स्वाद नहीं आता होगा क्या है? नहीं नहीं, गुड़ से ज्यादा स्वादिष्ट खांड होती है ना, और उससे ज्यादा स्वादिष्ट शर्करा, और उससे ज्यादा स्वादिष्ट अमृत होता है ना। तो इस तरह से जो ये चार अनुभाग बताए गए हैं, ऐसी अनुभाग प्रकार की शक्तियां हैं हमारे कर्म में, साता आदि जो कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, उनमें ये अनुभाग पड़ रहे हैं। इसलिए कहा जाता है अच्छे भाव करो, अच्छे भाव करोगे तो क्या होगा? विशुद्धि बढ़ेगी, शुभ भावों से विशुद्धि परिणाम आते हैं, विशुद्धि बढ़ेगी तो इन कर्मों में रस पड़ेगा, अच्छा रस पड़ेगा है ना। तो अगर आपके लिए खांड के समान रस पड़ गया तो फिर जब वो उसका फल मिलेगा तो फिर बैठे बैठे सब मिलेगा, आनंद आएगा बैठे बैठे है ना। मतलब साता वेदनी कर्म के फल से बैठे बैठे ही उसे सब तरीके की अनुकूलताएं मिलती हैं, सब तरीके के अच्छे वातावरण मिलते हैं, सब तरीके के अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे व्यंजन मिलते हैं और अच्छे उसके अनुभव भी होते हैं, क्योंकि फल कौन दे रहा है? साता वेदनी है ना। तो वो जिस तरीके की साता होगी उस तरीके का उसको फल मिलेगा। तो ये अघातिया कर्मों में शुभ प्रकृतियों का लिए कहा गया। अशुभ के लिए नींब है ना, कांजीर, विष और हलाहल, ऐसे चार उपमाएं दी जाती हैं कड़वे कड़वेपन की वृद्धि को लेते हुए है ना। नीम तो नीम ही है जो आप जानते हो,
सबसे पहले कड़वापन वहां से शुरू होता है, इससे कम कोई और कड़वापन समझ में नहीं आया, है ना। तो असाता वेदनी जब दुख देता है तो इसी तरीके के कड़वापन के रस उसके अंदर पड़े होते हैं। अगर नीम के समान है तो फिर भी चलो क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत सहन हो जाता है ना, और उसके साथ में कुछ मिला लिया भी जाए तो भी उसकी शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जब वो और ऊपर बढ़ जाए, अगर हमने अशुभ परिणामों से, संकलित परिणामों से, तीव्र कषायों से, अगर हमने कांजीर और विष के समान मान लो परिणामों से हमने बंद कर लिया है, तो उस विष को परिवर्तित करना मुश्किल हो जाता है। उसमें तो गुड़ भी मिलाओगे तो विष भी, गुड़ भी विष बन जाएगा, है ना। तो ऐसे ये परिणामों की शक्तियां के माध्यम से जो कर्मों में शक्तियां पड़ रही हैं उनके लिए ये उदाहरण देकर के आचार्यों ने समझाया है। तो अशुभ कर्मों में नीम, कांजीर होता है एक, है ना, एक फल होता है। कांजीर क्या होता है, ये भी एक फल होता है, जिसे शायद कभी आपने सुना हो, इंद्रायण की बेल या इंद्रायण का फल होता है, है ना। और फिर जो है इसके आगे विष तो विषी है, जो कई तरीके के जो विष वाले फल होते हैं, जैसे धतूरे का है, ये विष फल कहलाते हैं। तो इस तरीके से कई विष फल भी होते हैं, इनके भी कटुक स्वाद होते हैं। तो इस तरीके से, और फिर उसके बाद में हलाहल तो और बिल्कुल जहरी हो गया वो, है ना, बिल्कुल वो समझ लो क्लोरोफॉर्म से भी आगे बढ़ गया वो, जिसको सूंघते ही, देखते ही, ओट पर रखते ही हाँ वो मृत्यु का कारण बन जाए। क्या बोले, साइनाइड, हाँ साइनाइड, वो इसी तरीके से उनका भी रस होता है ना। तो वो इसी तरीके का समझ लो, वो इतना कड़वा कैसा, उसका तो आज तक कोई भी स्वाद ही नहीं लिख पाया, है ना। कई लोगों ने रिस्क लेकर के बिल्कुल पेन हाथ में रख करके और बिल्कुल कागज हाथ पे रख करके बस, मतलब कि तैयार भी हो गए, समझ आ रहा है ना, हाँ। और उन्हें ये लगा कि मेरे जाने के बाद अगर मैं मर गया तो क्या होगा, तो उनके नाम में खूब पैसा कर दिया गया, प्रॉपर्टी कर दी गई, समझ आ रहा है ना, खूब उनको दे दिया गया, बोले तुम बस इसका स्वाद लिख के बता दो, तुम्हारी पीढ़ियां मजा करेंगी। और उसने मुंह पे रखा, स्वाद आ ही नहीं पाया, उससे पहले तो उसकी मृत्यु हो गई और वो कुछ नहीं लिख पाया। तो ऐसा भी होता है। तो इस तरीके के जब असाता वेदनी कर्म जब उदय में आते हैं तो इसी तरीके के दुख देते हैं, पीड़ाएं देते हैं, है ना। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अनुभाग बंध के प्रकरण में हमने जाना, आत्मा के परिणामों से कर्मों में अनुभाग शक्ति बंधती है। एक ही परिणाम से एक ही समय पर शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का बंध होता है। विशुद्धि बहुत प्रकार की होती है, जितनी भीतर विशुद्धि बढ़ेगी उतना शुभ कर्मों में उत्कृष्ट अनुभाग बंध होगा, उनका रस अच्छा बढ़ेगा, और अशुभ कर्मों में अनुभाग उतना जघन्य होगा। ऐसे ही संक्लेश परिणामों से पाप कर्म में अच्छा उत्कृष्ट अनुभाग पड़ता है और शुभ कर्मों में जघन्य। हमने घातिया कर्मों की अनुभाग शक्तियों के चार स्थान जाने, एक स्थानीय, द्विस्थानीय, त्रिस्थानीय और चतुस्थानीय। पहला लता स्थानीय यानी लता की तरह, दूसरा दारु स्थानीय यानी लकड़ी की तरह, तीसरा अस्थि स्थानीय यानी हड्डी की तरह, और चौथा शैल स्थानीय यानी पत्थर की तरह होता है, यानी ये कोमलता से कठोरता की ओर जाती है। जैसे छेनी से पत्थर पर तो बहुत कम असर आएगा, पर उतनी ही चोट में हड्डी टूट जाएगी, उससे भी कम चोट में लकड़ी और बेल तो हाथ से ही टूट जाएगी। जिसमें जितना अनुभाग होगा उसके स्थान उसी रूप में होंगे, जितने हमारे संकलेश परिणाम उतने कठोर कर्म। कर्मों की अनुभाग शक्तियाँ स्पर्धकों से जानी जाती हैं। स्पर्धक अर्थात मोटे मोटे पटल, किसी की मोटाई या हार्डनेस को पटल कहते हैं। स्पर्धक दो प्रकार की, विषघाती और सर्वघाती। जैसे मिथ्यात्व प्रकृति सर्वघाती है, इसके उदय में सम्यक्त्व का नाश ही होगा, आत्मा का कोई गुण प्रकट नहीं होता। इसका अनुभाग कभी भी एक स्थानीय नहीं होता, या तो चतुस्थानीय या तीन स्थानीय या द्विस्थानीय के स्वभाव के बराबर होगा।
द्विस्थानीय के दो भाग होते हैं। पहला अनंतवा भाग थोड़ा प्रशस्त कहलाता है। दूसरा भाग सर्वघाती स्पर्धकों में आता है। स्पर्धकों में देशघाती पना आने से वह प्रकृति देशघाती कहलाती है। जैसे एक स्थानीय और द्विस्थानीय में देशघाती पना आता है, सम्यक्त प्रकृति के अनुभाग एक स्थानीय और द्विस्थानीय होते हैं। हमने अघातीय कर्मों की शुभ प्रकृतियों के गुड़, खांड, शक्कर और अमृत ऐसे चार अनुभाग स्थान जाने। जैसे इनमें मीठापन, स्वादिष्टपना आगे आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही शुभ प्रकृतियों में रस बढ़ता है। जितने जितने हमारे परिणाम विशुद्ध होंगे, उतनी ही शुभ प्रकृतियाँ हमें ऐसे ही अनुभाग का फल देंगी। जैसे साता वेदनीय कर्म जितने अच्छे अच्छे परिणाम होंगे, विशुद्धि वाले परिणाम होंगे, तो साता वेदनियों भी अलग अलग क्वालिटी की आएगी। इसीलिए हमें अच्छे भाव रखने चाहिए, उससे विशुद्धि परिणाम आते हैं। विशुद्धि बढ़ेगी तो इन कर्मों में अच्छा रस पड़ेगा। जैसे खांड के समान बंदी साता के फल के समय हमें सारी अनुकूलताएं बैठे बैठे मिलेंगी। अच्छे वातावरण, अच्छे लोग, अच्छे व्यंजन मिलेंगे और अच्छे अनुभव भी होंगे। जैसी साता वैसा उसका फल। इसी प्रकार हमने अघातिया की अशुभ प्रकृतियों के लिए नीम, कांजीर, विष और हलाहल ऐसे कड़वेपन की वृद्धि को लेते हुए चार उपमाएं जानी। असाता वेदनीय में ऐसे ही कड़वेपन के रस पड़े होते हैं। जितने जितने तीव्र संक्लेषित कषाय परिणाम, उतने उतने कड़वेपने को लिए अशुभ कर्म बंद। सबसे पहला कड़वापना हमने नीम का जाना। कांजीर इंद्रायण की बेल या इंद्रायण का फल होता है। धतूरा जैसे कई विषफल होते हैं जो सूंघते ही और होठ पर रखते ही मृत्यु का कारण बन जाए, वह हलाहल। जैसे साइनाइड जिनका कोई भी जीवित व्यक्ति रस नहीं बता सकता। नीम के समान तो थोड़ा बहुत सहन हो जाता है, उसमें कुछ मिलाने से उसकी शक्ति कम हो जाती है, लेकिन विष को परिवर्तित करना मुश्किल होता है। उसमें गुड़ मिलाने से गुड़ भी विष बन जाता है। असाता वेदनीय कर्म उदय में आकर इसी तरीके के दुख और पीड़ाएं देते हैं। तो चलिए अब हम सभी जड़वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। श्री जिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा, साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, निम्न में से कौन सा अघातीय कर्मों की अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग स्थान नहीं है? नीम, कांजीर, दारू, हलाहल। अध्याय 8 की कक्षा 46 के आज के सवाल का सही उत्तर है अनुभव। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें। धन्य है हमारा पुण्य जो मुनिश्री हमें कर्म बंध जैसे कठिन विषय को इतनी सरलता से समझा रही हैं, ताकि हम डेली लाइफ में कर्म बंध के कारणों को जानकर उनसे बच सके।
और यह ज्ञान आप अपने परिवार, मित्र, समाज के लोगों को इस स्वाध्याय से जोड़कर दे सकते हैं। आप उन्हें हमारी वेबसाइट etv.arham.yoga शेयर करें और वह इन सभी क्लासेस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। अभ्यास प्रश्न करके अपने ज्ञान को प्रगाढ़ बनाने का मौका और आज के सवाल में पुरस्कार जीतने का सौभाग्य भी मिलेगा। तो आज ही अपने बच्चों को, मित्रगणों को और परिवारजनों को इससे जोड़े और अपना और उनका पुण्य बढ़ाएं। ओम अरहम नमः। विचार करते हैं, ये भरा पूरा सैनिकों के द्वारा जो हमें बल प्राप्त हुआ है, अर्ध सैनिकों का जो बल प्राप्त हुआ है, ये पुष्ट देह वाले हमारे आसपास जो कमांडो की तरह बड़े बड़े मल्ल खड़े रहते हैं, रक्षपाल खड़े रहते हैं, ये सब इस मनुष्य के लिए जो दिखाई दे रहा है कि मैं बंधु और बांधवों से घिरा हुआ हूं, राजाओं में भी राजनायक हूं, न मिच्छुणा हदे खड़े सहायगम सहायगम। जब ये मृत्यु के द्वारा हत होंगे, नष्ट होंगे, या मैं जब मृत्यु के द्वारा समाप्त होऊंगा, तो ये कुछ भी मेरे सहायक नहीं बन पाएंगे, ये कोई भी मेरी रक्षा करने वाले नहीं हो पाएंगे। अणेय जंत मंत जुत नीर धार पादिदा नमंत सिद्ध देवदान तंत पूर कच्चिदा नमंत सिद्ध देवदान तंत कूर कच्चदा अणेय जंत मंत जुत नीर धार पादिदा महातवस्य इट्ठियस्य वावलेन संजुदा नुमिच्छुणा हदे खड़े सहायगम सहायगम। और विचार करते हैं, ये मंत्रों के द्वारा सिद्ध हुए देवता हमारे पास में है, क्रूर तंत्र सिद्धांत के द्वारा जो अनेक कार्य करके अनेक प्रकार के देव देवियां सिद्ध किए जाते हैं, वो भी सब हमारे पास में है। अनेक यंत्र तंत्रों से, मंत्रों से युक्त होकर के अनेक तरह की नीर धारा को बहा करके, अनेक तरह की धारा आदि करके भी अनेक विद्याओं की सिद्धि की जाती है, वो भी हमारे पास में है। महातपों की रिद्धियों के बल से जो संयुक्त होते हैं, उनके लिए भी कभी मृत्यु से रक्षा नहीं हो पाती, और मृत्यु के आने पर उनके लिए कोई भी ये देवता, कोई भी रिद्धियां, कोई भी सिद्धियां सहायक नहीं होते। इसलिए अरक्ष भावना वरा, हमारे लिए ये अरक्षा की जो भावना उत्पन्न हो रही है कि इस संसार में कोई शरण नहीं है, यह भावना ही हमारे लिए वरा है, श्रेष्ठ है, प्रमुख है, ऐसी वह अशरण भावना बातें हैं। यदि आप भी अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर संस्कारित बनाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से अलंकृत किया जाए, तो आपके लाडले की संपूर्ण पढ़ाई निःशुल्क हम कराएंगे। पूज्य गणेश प्रसाद वर्णी जी द्वारा स्थापित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा पुनरुद्धारित पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित श्री सियादवाद महाविद्यालय वाराणसी में। जी हाँ, यहाँ पढ़ने वाले 100 से अधिक परा स्नातक बन चुके हैं, अनेक विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स, 15 से अधिक प्राप्त कर चुके हैं राष्ट्रपति पुरस्कार। इतना ही नहीं, इसी वर्ष 2024 में भी एक विद्वान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। प्रवेश प्रारंभ 10वीं अथवा 12वीं पास छात्र सीधे ले सकते हैं प्रवेश। आवास, भोजन, शिक्षण आदि सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल निःशुल्क। श्री सियादवाद महाविद्यालय, भदेनी वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत। संपर्क करें 9695338108, 9506602715, 9111229620।